हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे। इससे पहले हम डिटरमिनेंट की दो वीडियोस बना चुके हैं, आप सभी को उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ आने वाली वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा मैथ के और भी जितने भी चैप्टर्स की वीडियोज बन चुकी हैं, उन सभी वीडियोज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, हो सकता है कि आपके लिए वहां पे कुछ ना कुछ काम की वीडियोस मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट -5 इन द डिटरमिनेंट। तो हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट -5 है, इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट में -5 ढूंढना पड़ेगा, वो कहां पर है। तो -5 हमारे पास ये रहा। इस -5 एलिमेंट का कोफैक्टर हमें निकालना है। कोफैक्टर निकालने से पहले हमें रोज और कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, तो ये रो 1 है, 8, 9, 10 वाली जो है ये रो नंबर 1 है। 6, -7, -8 ये रो नंबर 2 है, और 4, -5, -7 जो है ये रो नंबर 3 है। ऐसे कॉलम्स 8, 6, 4 वाला ये कॉलम नंबर 1 है, तो इसको हम C1 लिख देंगे। 9, -7, -5 ये कॉलम नंबर 2 है, इसको हम C2 लिख देंगे। और 10, -8, -7 वाली जो है ये कॉलम नंबर 3 है। तो हमारा जो एलिमेंट है जिसका हमें कोफैक्टर निकालना है वो है -5। तो -5 के कोफैक्टर कैसे निकाले जाएंगे? सबसे पहले आप -5 जिस भी कॉलम में आ रहा है और जिस भी रो में आ रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो -5 की जो रो है वो है R3, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे ही आपने करना है, चाहे सवाल में -5 का निकालने को कहा गया है या -8 का निकालने को कहा गया है, सेम तरीका यही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो -5 की जो रो है वो हमने हाईलाइट कर ली, और -5 का जो कॉलम है वो है C2, तो इसको भी हाईलाइट कर लेंगे हम। इस तरह से हमने हाईलाइट कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, जो हाईलाइट पोर्शन के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको भूल जाना है, यानी कि 9, -7, -5, 4, -7 इनको थोड़ी देर के ये भूल जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचते हैं, 8, 10, 6 और -8। तो आपको इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने एरो बनाया है, यानी कि 8 को -8 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 को -8 से, और बीच में आपको यहां पे माइनस लगाना है, और फिर अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 8, 8 जा 64, और ये वाला माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। 6, 10 जा 60, उसके बाद दोनों वैल्यूज -64, -60 दोनों वैल्यूज माइनस की है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। लेकिन दोनों वैल्यूज माइनस की जब होती हैं तो उनको हम ऐड तो कर देते हैं, लेकिन जो सिंबल है, निशान है, वो माइनस का। यहां तक हमने कर लिया, एक स्टेप और रह गया है। वो स्टेप क्या है, -1 की पावर जो हमारा -5 एलिमेंट है जिसके हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उसका कॉलम क्या है, उसका कॉलम है C2, और उसकी रो क्या है, R3। तो रो है 3, कॉलम है 2, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो जैसे हमने देखा कि -5 की जो रो है वो है R3 और जो कॉलम है वो है C2, तो R3 का मतलब रो 3, तो
तो यहाँ पे माइनस वन की पावर में आप थ्री लिख देंगे क्योंकि इसकी रो है वो थ्री है, और माइनस फाइव का जो कॉलम है वो सी टू यानी कि टू सेकेंड कॉलम प्लस टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो रो होगी और जो कॉलम नंबर होगा उन दोनों को ऐड करके माइनस वन की पावर आपने लगा देनी। तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, और माइनस वन की पावर जब भी कोई ओड नंबर होता है यानी कि फाइव हो यहां पे पावर में, माइनस वन की पावर फाइव हो, थ्री हो, सेवन हो, नाइन हो, इलेवन हो, थर्टीन हो, वो माइनस वन ही बन जाता है वापस और पावर हट जाती है। अब माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन ट्वेंटी फोर, तो माइनस वन की पावर फाइव थी तो माइनस वन की पावर जब भी फाइव करेंगे तो माइनस वन ही आएगा। अगर माइनस वन की पावर सिक्स एट फोर टेन ट्वेल्व यानी कि इवन नंबर होती तो यहां पे माइनस वन की जगह सिर्फ वन आता यानी कि प्लस वन आता। चलिए अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन ट्वेंटी फोर, तो ये कितना बन जाएगा वन टू फोर। तो वन को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।